हेलो स्टूडेंट, आप लोग अगर स्क्रू गेज से एक्सपेरिमेंट या मेज़रमेंट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी की बात करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करें, आपको पता होना चाहिए लिस्ट काउंट। लिस्ट मतलब सबसे कम, जिसको हम लोग इससे मेज़र कर सकते हैं। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेज़र्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब चलिए स्क्रू गेज की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। देखिए, इसमें एक स्केल आपको यहाँ पे दिख रही है और दूसरी स्केल जो है यहाँ पे दिख रही है। तो ये दो स्केल होती है, इसको बोलते हैं मेन स्केल और इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये है ज़ीरो। जब हम लोग इसको इससे घुमाते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 90। मतलब देखिए, ज़ीरो के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर कहाँ तक आ जाएगा, 90। 90 के बाद में फिर ये 10 डिवीज़न हो गए, मतलब इस पे टोटल कितने डिवीज़न हो गए, 100। तो यहाँ पे मैं अपॉन में नंबर ऑफ़ डिवीज़न की जगह पे क्या लिख दूँ, 100 लिख देता हूँ। अब चलिए दूसरी बात आती है फिर पिच की। तो पिच क्या होता है, अगर आप इस स्क्रू गेज को एक बार ऐसे पूरा चक्कर घुमाएंगे तो ये इस स्केल पे, मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 0.1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो बाद में जो फाइनल ऑब्जर्वेशन आए उसको आप काई में लिख सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01।